को और इस वक्त ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लुला द सिल्वा ब्राजील जो भारत से अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत के बाद ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष होगा। ऐसे में ट्रॉयका के तहत ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लुला द सिल्वा भारत मंडपम में आगमन। ब्रिक्स के साझे सदस्य के तौर पर भारत और ब्राज़ील लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं एशिया का और विकासशील देशों का। ब्रिक्स के मंच के जरिए ही दोनों देशों को एक सशक्त आवाज़ भी समझा जाता है विकासशील देशों की, और इसलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रॉयका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत से प्रेसिडेंसी अब ब्राज़ील को सौंपी जाएगी और कल शाम इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील को आधिकारिक तौर पर G20 2023-24 की अध्यक्षता सौंपेंगे, और इसके हालांकि सितंबर ये जो कल डिक्लेरेशन किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रेसिडेंसी, उसके बाद भी भारत की ओर से काम जारी रहेगा 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर से ऑफिशियली ये प्रेसिडेंसी जारी, और विकासशील देशों को मुद्दों को प्राथमिकताओं के तौर पर ज़रूर शामिल किया जाएगा। पूरे विश्व को यही उम्मीद। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लुला द सिल्वा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।